चैनल पे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चीज़ें दो तीन चीज़ें बना रही क्योंकि आज हमारे घर आ रहे मेहमान। कोफ्तों को ना मसाले में भून रही हूँ अभी, मैंने इसमें शोरबा करना है और प्याज भी नहीं डाले। ये हमारे मेहमान आ गए हैं और भाईजान और शाजेज विदाजी। ये कोफ्तों का सालन बनाया है, ये चिकन कढ़ाई है, वो चाइनीज चावल है और रायता है, रोटियाँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीदें ठीक होंगे आपकी दुआओं से। हम भी ठीक हैं, जहाँ रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ वीडियो का करते हैं आगाज़। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो आज मैं बता रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं बहुत सारी चीज़ें, दो तीन चीज़ें बना रही हूँ क्योंकि आज हमारे घर आ रहे मेहमान, मेरे जेठ और जेठानी, जुबैदा बाजी, क्योंकि मैं अपनी जेठानी को बाजी कहती हूँ। तो जुबैदा बाजी, भाईजान आ रहे हैं और वो शाजेब का निकाह करके आए हैं ना हम लोग, तो इस वजह से वो मिठाई लेके आ रहे हैं। तो फिर जाहिर सी बात है, खाना तो खाना ही है, क्योंकि दूर से इंसान आता है तो फिर खाना खाए बगैर तो नहीं जाता। तो अभी शाम का टाइम है और शाम में ही उन्होंने आना है, रात को हमारे पास उन्होंने खाना खाना है। तो मैं बना रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं बना रही हूँ कोफ्ते। कोफ्ते मैंने बना के फ्रीज कर दी करके रखे हुए थे, तो ये मैंने इसे फ्राई कर ली हैं, तल ली हैं। और यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ कोफ्ता का। ये प्याज है, प्याज को मैं ब्राउन करके निकाल लूँगी, निकाल के फिर इसको डंडे कुंडे में देखें कूट लूँगी इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने ये इसका मसाला तैयार कर लिया है दही के अंदर, ठीक है ना। तो ये देखें अभी बस ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसे निकालूंगी। और बाकी जो है मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई और कोफ्ते और चाइनीज चावल, रोटियाँ वगैरह वगैरह। और बस आप लोग साथ रहें, दिखाती रहूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी बेटी भी ट्यूशन पर चली गई है। और बस मैं फिर आपके साथ शेयर करती रहूँगी अगर मुझे टाइम मिलता है, साथ रहिए। अब देखें मैं कोफ्तों को भून रही हूँ और कोफ्ते मैंने चिकन के बनाए, बिल्कुल भी नहीं टूटते। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें, देख लें, ये देखें। अब मैं इन्हें भून रही हूँ कोफ्तों को ना मसाले में भून रही हूँ अभी, मैंने इसमें शोरबा करना है और प्याज भी नहीं डाले। प्याज जो है मैंने ब्राउन करके निकाल लिए थे, ये देखें, देख रहे हैं आप। अभी ये भून रहा है मसाले के अंदर कोफ्ते, ठीक है ना। ये मैंने चिकन के बनाए और प्याज अभी जो है ना शोरबा जब बना पानी डालूंगी ना ग्रेवी के लिए, तो फिर मैं ना कहते प्याज डालूंगी ऊपर और फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। उधर मेरी चिकन फ्राई हो रही है, देखें कढ़ाई के लिए, साथ साथ रहिएगा, मैं दिखाती रहूंगी आपको। ये हमारे मेहमान आ गए हैं और भाईजान और शाजेज विदाजी, और ये हमने खाना बनाया। जैसे मैं आपको बता रही थी, ये कोफ्तों का सालन बनाया है, ये चिकन कढ़ाई है, वो चाइनीज चावल है और रायता है, रोटियाँ, क्योंकि मैं अकेली थी, हल्का फुल्का ही बनाया बस। बहुत कुछ है, ये भी अल्लाह का शुक्र है, हल्का फुल्का। वेलकम बेग जी, और सुबह हो गई है और रात को काफी मैं थक गई थी बहुत ज्यादा ना, तो इसलिए, और फिर इतनी देर हो गई थी, तकरीबन 12 बज गए थे, किचन विचन साफ़ करना, सारे बर्तन वगैरह धो के साफ़ करके और किचन को सारा साफ़ करके फिर मैं सोई हूँ। इतना थक गई थी यकीन माने, क्योंकि एक होता है ना, क्योंकि साथ होता है, हेल्प करवाता है थोड़ी बहुत, तो मैं साथ कोई भी नहीं था, मैं अकेली ही सारा कुछ कर रही थी। क्योंकि चलो मेरी बेटी करवा देती, लेकिन उसके पेपर होने वाले हैं तो वो चली गई थी ट्यूशन पर, तो लेट आई थी, तब तक मैं तकरीबन सब कुछ तैयार कर चुकी थी। फिर जब वो लोग चले गए भाभी वाले, तो फिर मैंने रात को सारा किचन विचन साफ़ करके फिर बिल्कुल होश नहीं था। रात को तो मुझे यकीन करें बिल्कुल भी, इतनी थकी हुई थी कि मुझे एक तो थकन से नींद नहीं आई, लोगों को थकन से नींद आती, मुझे थकन से नींद ही नहीं आ रही थी यकीन माने। बस ऐसे ही रात गुजर गई थकन से। मुझे, मेरी अमूमन आदत है कि जब मैं थकी हुई हूँ तो फिर मुझे नींद नहीं आती। मतलब लोग कहते हैं कि हम थके हुए होते हमें नींद आ जाती, मैं थकी हुई होती हूँ तो मुझे घबराहट होती, बेचैनी होती, मुझे नींद नहीं आती ज़्यादा अगर थक जाऊँ तो। तो यही हाल मेरा रात गुजरा। अभी आप मेरी आँखें देख सकते हैं कि मेरे सर में इतना ज़्यादा मेरे दर्द अभी भी है यकीन करें। और ये है कि अब ऐसी बात है, काम तो घर का करना ही है, सफाई वगैरह करनी है अब। और रात को भाभी वाले आए थे तो मैंने काफ़ी उनसे कहा कि रुको, रात रुक जाओ, लेकिन वो कहने लगे कि नहीं हमने जाना है, फिर आएंगे तो फिर हम रुकेंगे तुम्हारे यहाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, उनको काम था भाईजान को थोड़ा सा,
बाकी माशाल्लाह उनकी पूरी फैमिली आई थी, जैसे कि चार बंदे ही हैं वो फैमिली में, और भाईजान, भाभी और शाहजेब और अंबर, ये चार जने ही हैं, तो वो चारों आए थे। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया, गप्पे शप्पे लगाएं, बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहे, फिर वो लोग चले गए थे। बहरहाल फिर कह रहे थे हम आएंगे तो इंशाल्लाह रात रुकेंगे, वो जब भी आते हैं वैसे रुकते हैं रात। तो अब लेट आए थे, मैं समझी थी शायद रात रुकेंगे, लेकिन वो रात रुके नहीं क्योंकि भाईजान को काम था। अब क्या कह रहे थे आएंगे तो फिर इंशाल्लाह रुकेंगे। और बस अब घर का काम करने लगी हुई हूँ, देख लें घर की हालत क्या हो रही है। वैसे तो सफाई हुई हुई थी सारी माशाल्लाह से, लेकिन ये कि वो काम तो आपको पता है होता ही है घर का, इतना जितना मर्जी कर लो लेकिन है ना, कहते हैं ये देखें बर्तन तो मैंने सारे रात को धो लिए थे, ये देखें सारे मैं धो के सोई थी बर्तन वर्तन। हालांकि फिर ये ना बर्तन वैसे तो वो अंबर ने धोए थे है ना, लेकिन मुझे जब तक ये साफ़ नहीं होते, इसकी सही तरह से बिल्कुल चिकनाहट ख़त्म नहीं होती, मुझे सुकून नहीं आता। वो तो वैसे धोकर गई थी तो चलो मैंने कहा, फिर मैंने इसे यकीन करें दोबारा से धोएं तब जाके मुझे सुकून आता है। उसे धोए थे माशाल्लाह से, धो ही लिए थे थोड़े से, लेकिन मैंने फिर दोबारा से धोए, मुझे सुकून ही नहीं आ रहा था, बेचैनी हो रही थी। फिर धो के दोबारा से फिर मैंने इसको टिश्यू से साफ़ किए, फिर उसके बाद जो है ना मैं सोई, मुझे सुकून ही नहीं आ रहा था। और बाकी बाहर का देखते हैं, बाहर का मौसम क्या है कैसा है, और देखते हैं अभी। और धूप लगी हुई है, हाँ माशाल्लाह से धूप तो लगी है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। देखें वैसे ना उस साइड पर जो ना धुंध है, उस साइड पर धुंध है थोड़ी, उधर महसूस हो रही, सुबह में तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन है ना अभी भी है, वो सामने जो है उधर है थोड़ी सी धुंध। और इधर भी ये देखें, इधर भी ऊपर के साइड पर धुंध है, इधर सूरज निकला है तो ख़त्म हुई, वरना सुबह में थी धुंध काफ़ी ज़्यादा ना, ये देखें। और ये देखें इस पे दुपट्टे पे देखें मक्खियाँ कैसे बैठी हैं, ये देख रहे हैं तीन मक्खियाँ कैसे बैठी हैं, ये देखें। मेरा अमूमन ये है कि मैं ना कहते हैं टॉवल वगैरह से मुँह नहीं साफ़ करती, मुझे पता नहीं क्यों वहम सा होता था तो मैं टॉवल से मुँह नहीं साफ़ करती, मैं हमेशा ना अपने चादर से या दुपट्टे से ही मुँह साफ़ करती हूँ। तो बस यही है ना कि वो फिर मैं धूप में डाल देती हूँ बाहर। तो बाकी आपको दिखाती हूँ, वो लोग मिठाई लेकर आए हैं भाईजान वाले, दिखाती हूँ आपको, चलें साथ। ये देखिए मिठाई वो लोग लेके, तो उन्होंने बनवाई थी शायद मिठाई ना, हाँ उन्होंने मतलब खरीद शॉप वगैरह से नहीं खरीदी, उन्होंने बनवाई है, मैंने तो अभी तक इसे टेस्ट ही नहीं किया। ये नेहा ने शायद सुबह खाया पता नहीं क्या, ये देखें देख रहे हैं, ये देखें इन्होंने बनवाई है मिठाई, तो चाशनी में डूबी हुई है, वैसे तो ओवन में गर्म करके ही खाई जा सकती है, ऐसे तो नहीं। बहरहाल ये उन्होंने बनवाई है मिठाई, कह रहे थे हमने बनवाई है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। बहरहाल ये जो है ना, अब मैं हाथ धो लेती हूँ, ठहरा, तो बस उन्होंने कहा हमने बनवाई थी मिठाई, मैंने कहा चलो अच्छी बात है, सबकी मर्ज़ी होती है, अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। तो बहरहाल जो है अभी आप लोग साथ रहें, मैं दिखाती रहूँगी, ज़रा सफाई वगैरह कर लूँ, काम कर लूँ तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ, साथ साथ रहिएगा, जो भी होगी एक्टिविटी आज की वो आप लोगों को दिखाती रहूँगी। और दूसरी बात ये है कि मौसम एकदम से चेंज हो गया है और ठंड एकदम से बढ़ गई है, अब पंजाब में भी ठंड इतनी ज़्यादा होगी, तो देखते हैं अब अल्लाह मालिक है। मैं तो दिल ही नहीं कर रहा सच्ची, यकीन करें जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को पता है इंसान सफ़र कर कर के थक जाता है, लेकिन है ना बस वही बात है ना कि वो लोग भी शोर कर रहे हैं। फिर मेरे देवर की कॉल भी आई थी, वो भी कह रहा था नहीं भाभी आप आ जाएं, आप अभी भी आकर चली गई, घर नहीं आई। तो मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं, अब अल्लाह मालिक है, लेकिन ठंड की वजह से ना मेरा दिल नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा ना सफ़र मार देता है, सफ़र की जो थकन होती है ना वो बुरा हाल कर देती है। और अब देखते हैं जो जो होगा आप लोगों को दिखाती रहूँगी। हाँ जी, तो हम आ गए हैं दोबारा से, तो उस वक्त बस मैंने इसको सफाई वगैरह की सारा काम किया,
काम करके, और फिर उसके बाद सालन तो बनाना नहीं था, सालन रात का हमारा पड़ा हुआ था जो मैंने बनाया था चिकन कढ़ाई वगैरह, तो सालन था रोटियां बना ली थी बस। उसके बाद मैं थोड़ा सा लेटी हूँ तो बहन का फ़ोन आ गया, तो कहती है कि बाजी ये ना आपने मेरे साथ ज़रा मार्केट चलें क्योंकि उसने अपनी बच्ची की शॉपिंग करनी है। तो मैंने कहा अच्छा चलें। कहती मैं बाबर को भेज देती हूँ अपने शोर के लिए, कहने लगी मैं बाबर को भेज देती हूँ तो वो आके आपको ले जाएंगे तो फिर आप आ जाएं तो चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। और भाभी ने वॉइस छोड़ी थी, वो मैंने सुनी नहीं, बाद में उसकी कॉल के बाद मैंने वॉइस सुनी तो भाभी की भी थी कि बाजी कल आपने चलना है हमारे साथ मार्केट, मैंने भी अपनी बच्ची की शॉपिंग करनी है। अब भाभी ने कल जाना है, बहन ने आज जाना है, तो और वो लोग मेरे बगैर जाते हैं ना, ना मेरी दोनों भाभियाँ जाती हैं मेरे बगैर, ना मेरी बहन जाती है मेरे बगैर, ना अम्मी जाती हैं, तो फिर जाना पड़ता है ज़ाहिर सी बात है। तो अब वहाँ जा रही हूँ। और दूसरी बात यह है कि फिर आप लोग मुझे अब इजाज़त दे दें क्योंकि अगर आगे मैं वहाँ जाके अगर मार्केट में बना सकी तो अगले व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। बाकी मुझे इजाज़त दे दीजिए, ठीक है ना। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दिया करें, कंजूसी ना करा करें। ये आप लोगों की तरफ से एक तोहफा होता है हमारे लिए, हम इतनी मेहनत करते हैं देखें, ठीक है ना। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब, आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। और कमेंट भी क्या करें, जब मैं कमेंट पढ़ती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है, यकीन करें बहुत ज़्यादा। ये आप लोगों का एक बड़ा पन होता है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बड़ा पन होगा आप लोगों का, हमारे लिए ये प्यार होता है आपका। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा। बाकी कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।